हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं रिगार्डिंग आर न्यू बैच फॉर HPAS एग्जामिनेशन 2022। ये हमारा बैच नंबर 7 है। इससे पहले हमारे 6 ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, जिनमें पहला बैच जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। हम लोगों ने प्लान किया था कि बैच 6 के बाद 2022 के लिए एटलीस्ट कोई नया बैच नहीं लॉन्च किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जाम वगैरह में बिजी थे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नया बैच जो है वो शुरू किया जाए। तो यही कारण है अब हम लोग बैच 7 शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 20th सितंबर 2021। ये बैच थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे इसमें सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, कैसे आप लोग इसको एक्सेस करोगे, हर एक इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग वो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं अभी भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या मैं ऐसा कहूं कि कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम उस एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे, और साथ में ये बैच जो है थोड़ा डिफरेंट रहेगा, जहां पे सैटरडे संडे को आपका कोई ब्रेक या ऑफ नहीं रहेगा, 7 के 7 दिन आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की 2022 की, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अप्रैल या मई में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो सकती है, अगर हर एक चीज अच्छे तरीके से चलती रही। वैसे भी 2 सालों में कोविड के कारण जो है वो हम लोगों ने एग्जामिनेशन में काफी चेंजेस देखे हैं। क्लियर। तो इस बैच को शुरू करने से पहले, इस बैच में क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं उनको जानने से पहले, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस एग्जाम में हम सब लोगों की क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें उस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहला और बेसिक स्टेप है कि हम लोगों को उस स्पेसिफिक एग्जाम का सिलेबस और किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं एटलीस्ट पिछले 10 सालों में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स जो अभी अभी 2022 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखिए पहली चीज, काफी लोग 1 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग 2 साल से कर रहे हैं, कुछ 3 साल से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे सेलेक्टेड लोग हैं जिनको हम लोग जानते हैं, जो इस साल भी या 2022 में भी इस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए फाइट करेंगे, स्पेशली इस साल 2021 में भी इस एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं। तो आप लोग यहां से आइडिया लगा सकते हो कि जो कंपटीशन है उसका नेचर काफी डिफरेंट रहेगा, काफी डिफिकल्ट रहेगा। तो यही कारण है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन, एक प्लान्ड प्रिपरेशन जो है वो करनी है। तो पहला स्टेप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, अगर मैं HPAS की बात करूं तो उसमें भी सबसे पहले रहता है सिलेबस क्या है उस एग्जाम का, और उसके साथ साथ नेचर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एंड मेंस एग्जामिनेशन में। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसके साथ साथ PYQ, अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ऊपर एक हमारी सीरीज चल रही है, प्री के बाद हमारे मेंस क्वेश्चन जो पिछले 4-5 सालों में पूछे गए हैं उनके ऊपर भी हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। तो PYQ की बात की जाए, सिलेबस की बात की जाए, आप खुद भी इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, या अगेन हमारा जो चैनल है वो भी आपकी मदद करने के लिए इसमें तैयार है। तो आप लोग सिलेबस एंड PYQ पहला स्टेप रहेगा किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए। दूसरा स्टेप आपका रहेगा कि जो प्रिपरेशन है वो आपके एग्जाम स्पेसिफिक ही रहनी चाहिए। इसका मेरा मतलब क्या है कि जैसे मैं HPAS एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा, क्लियर, सिलेबस की बात करूंगा, तो बहुत ज्यादा सिलेबस जो है इसका UPSC सिविल सर्विसेज सिलेबस के साथ मैच करता है, लेकिन नेचर ऑफ क्वेश्चंस, जिस तरीके से कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, और साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स जो या तो UPSC में मिसिंग है या HPAS में मिसिंग है, जैसे एथिक्स जो है वो एक पूरा पेपर है UPSC सिविल सर्विसेज में, लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो वहां पे एथिक्स का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हम लोगों को देखने को मिलता है। उसी तरह से HPAS में जो हिमाचल प्रदेश GK है मेंस एग्जामिनेशन में, अप्रोक्सीमेटली 33% हिस्सा जो है वो आपको HPGK के ऊपर देखने को मिलेगा, जो UPSC में आप लोगों से नहीं पूछा जाता। तो यही कारण है बहुत सारे लोग UPSC की प्रिपरेशन को गलती से मान लेते हैं कि वो हिमाचल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो शायद बहुत बड़ी गलत चीज है। आप लोगों को UPSC के साथ साथ जो हिमाचल स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं या नेचर ऑफ क्वेश्चंस है उसको भी थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। तो दूसरा है कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो एग्जाम स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी कि जिस भी एग्जाम की, अगर HPAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, बाकी एग्जाम UPSC कर रहे हो, किसी और स्टेट का कर रहे हो, दैट इज फाइन, क्लियर। लेकिन अगेन आपको जो HPAS का सिलेबस है या जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, अगर आप इस एग्जामिनेशन को सीरियसली क्रैक करना चाहते हो, क्लियर। तीसरा स्टेप जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है रेगुलर असेसमेंट, यानी कि मेनली क्या रहता है कि इस प्रिपरेशन का या इस एग्जाम का जो साइकिल है वो काफी बड़ा है। मान लो आप 2021 में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, 2022 में आप अपना प्रीलिम्स एंड मेंस लिखते हो,
उसके बाद जाके 2023 में जो है या 22 के एंड में जो है वो आप लोगों की सिलेक्शन होती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका जो पूरे का पूरा टाइम पीरियड है वो 1.5-2 साल की जो है वो प्रक्रिया का आप लोगों को सामना करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो प्रिपरेशन है, जिस तरह का इसका सिलेबस है, जिस तरह के सब्जेक्ट्स हम लोगों को रीड करने पड़ते हैं, उनको कंप्लीट करने में ही हम लोगों को कम से कम जो है वो 10-11 महीने का टाइम लग जाता है। अगर थोड़ा सा जल्दी करोगे, थोड़ा फास्ट पढ़ोगे तो 8-9 महीने में भी हो सकता है। लेकिन अगेन, जिस तरीके से एग्जाम का नेचर आजकल या जिस तरह का कंपटीशन स्पेसिफिक टाइम पे हमें इस एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहा है, वहां से हम लोग एक चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी अगर इसको आप बहुत जल्दी क्लियर करना चाहते हो। क्लियर? तो रेगुलर असेसमेंट बहुत ज्यादा आवश्यक है। रेगुलर असेसमेंट का मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप एसेस करते रहिए, टेस्ट लिखिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, क्लियर, रेगुलर बेसिस के ऊपर, ताकि जो आपकी कमियां हैं या जो रिक्वायर्ड टेम्परामेंट है स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के लिए वो आप डेवलप कर सको। ध्यान रखिए, ये जो अप्रोच बनाई गई है ये हम लोगों का एक्सपीरियंस, चाहे हमारा फेलियर है या बाकी लोगों का फेलियर और बाकी लोगों की जो सक्सेस है उसको देख के ही जो है वो डिजाइन की गई है। तो आप लोगों का काम है सक्सेस प्राप्त करना, फेलियर जो है वो बाकी लोगों पे छोड़ दिया जाए। आप लोग जो है वो अल्टीमेटली सक्सेस के लिए जो है वो हमेशा प्रयास करते रहोगे। चलिए, इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें वो ये है कि एक बार मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों को रेगुलरली कंटेंट एनरिचमेंट करनी है। कंटेंट एनरिचमेंट का मेरा मतलब क्या है कि करंट अफेयर्स को अपडेट करना है अपने एग्जिस्टिंग नोट्स में। टेस्ट सीरीज जब सॉल्व करोगे, अगर उसमें ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा है, या जब आपने आपको एसेस करोगे कोई ऐसा एस्पेक्ट है किसी सब्जेक्ट का जो आपको नहीं आइडिया है, आप उसको रेगुलरली अपडेट करते रहोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका 1-1.5-2 साल का जो है वो पूरी प्रक्रिया रहेगी जब तक आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हो जाते। तो रेगुलरली अपने आप को आप लोगों ने एनरिच करते जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोगों को पहले ही क्लियरली आइडिया होना चाहिए कि आने वाले 1.5-2 साल में आप किस तरह से प्रिपरेशन करोगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा वो है पीयर टू पीयर इंटरेक्शन। क्लियर? नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं यहाँ पे पीयर टू पीयर इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि स्टूडेंट एक दूसरे से आपस में बात नहीं कर सकते हैं, या जो स्टूडेंट है वो टीचर के साथ बात नहीं कर सकते, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज मेंटरशिप। ये मिथ है आजकल के टाइम के हिसाब से। आजकल आप लोग भी सारे मैक्सिमम लोग घर से बाहर रह रहे हैं, क्लियर, और आप लोगों को पता है कि आपके जो नियर एंड डियर हैं उनके साथ आप किस तरह से कनेक्टेड हैं। आप लोग फोन के थ्रू उनके साथ कनेक्टेड हैं, आप उनके साथ वीडियो कॉल्स कर रहे हो। तो वही तरह का या उसी तरह का सेम प्रोविजन जो है वो आजकल ऑनलाइन क्लासेस में भी देखने को मिल रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जर्नल में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो पीयर टू पीयर इंटरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक दूसरे से सीख सको, एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो सको, एक दूसरे का जो नॉलेज है उससे आप लोगों को भी फायदा रहे। और क्योंकि हम एक हमारा एक ह्यूमन है और ह्यूमन एक नेचर रहता है कि जहाँ पे हम हमारी कुछ सोशल नीड्स हैं, क्लियर, उसको भी हमने सेटिस्फाई करना है। तो आप लोग एक दूसरे के साथ इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी, बहुत ऐसी जर्नी में उतार चढ़ाव आएंगे जहाँ पे एक दूसरे को देख के आप लोग एक दूसरे को हौसला बढ़ाते रहोगे। क्लियर? तो पीयर टू पीयर इंटरेक्शन, डिस्कशन, किसी की जो अच्छी चीज़ें हैं वो इम्बाइब करना, किसी की बुरी चीज़ें हैं उनको साइड करना या उसको समझाना, ये सारी चीज़ें जो वो पीयर टू पीयर इंटरेक्शन में रहेंगी। क्लियर? और लास्ट है मेंटरशिप। मेंटरशिप यानी कि कोई भी आपका मेंटर हो सकता है, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो सकता है, क्लियर, वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो कोई ऐसा एस्पिरेंट हो सकता है जो बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहा है और इस एग्जाम में बहुत अच्छा कर रहा है, क्लियर। तो मेंटरशिप के अलग अलग रोल है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्लियर, आपके बड़े भाई बहन, कोई भी मेंटर जो है वो आपको हो सकता है। मेंटर का मतलब ये नहीं है कि वो आपको बताए कि अच्छा ये 3 चैप्टर पढ़ लो या 4 चैप्टर पढ़ लो। मेंटर का मतलब है जो आपको मोटिवेटेड होकर रखे। पढ़ाई तो आप लोग अल्टीमेटली आप लोगों को ही करनी है और आप लोग कर भी लोगे, क्लियर। तो मेंटरशिप जो आपको अच्छी गाइडेंस दे सके, आप लो फील कर रहे हो, आपको मोटिवेट कर सके, इस तरह के लोगों की आप लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। और यहाँ पे एक इंसान नहीं, मल्टीपल लोग जो है वो इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहते हैं। यही कारण है जब आप लोग सिलेक्टेड लोगों को देखोगे तो आप पाओगे कि वो बहुत सारे लोगों के लिए थैंकफुल होते हैं। वो कभी नहीं कह सकते कि इसे एक इंसान या दो इंसान या इस इंस्टीट्यूट या उस टीचर की वजह से मेरा जो है वो क्लियर हुआ। उसमें उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त, उसके भाई बंधु, सारे के सारे जो इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर? मेंटरशिप जो आपको मोटिवेट करके रख सके और जो डायरेक्शन इस एग्जाम की उसमें डाल सके, ये भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इन स्पेसिफिक चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर करनी शुरू कर दी है तब भी इन छोटी छोटी बातों का आप लोग जरूर ध्यान रखोगे। उसके बाद अब मैं डायरेक्टली आता हूँ, क्योंकि हमारा कोर्स लॉन्च है, ये स्पेसिफिक वीडियो में कोर्स के बारे में बताना है। तो अब मैं आऊंगा आपको कि क्यों जो है वो आपको सिविल स्टैफ हिमाचल का ये स्पेसिफिक कोर्स है, इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन लेक्चर्स एंड नोट्स जो हैं, जो आपका सिलेबस एंड PYQs उनको ध्यान में रखते हुए, इवन कि 1-2 लेवल और इंक्रीज हम लोगों ने किया है कि कल को अगर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं
तब भी आप लोग उनको सॉल्व कर सके, तो आपको प्रॉपर लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके साथ साथ जो है वो आपको हैंडआउट्स, नोट्स या स्टडी मटेरियल जिसको आप कह सकते हैं वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर। दूसरी चीज जो है असेसमेंट के लिए आप लोगों को प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो टाइम टू टाइम आप लोगों को असेस करती रहेगी कि आपका एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या मेंस आंसर राइटिंग में किसी तरह का चैलेंज या इशू आप लोग फेस नहीं कर रहे हो। इसके बाद तीसरी चीज अगर हम बात करें रेगुलर अपडेशन कंटेंट एनरिचमेंट के लिए, तो वहां पे करंट अफेयर की मैगजीन्स होंगी, प्रीलिम्स की मैगजीन अलग बन रही है, मेंस की मैगजीन अलग बन रही है, थोड़ी बड़ी मैगजीन्स बनाई जाती हैं ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे जो आपसे छूट जाए। अब ध्यान रखिए ये सिर्फ बैच वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये हम लोगों का फ्री इनिशिएटिव है, जो हमारी वेबसाइट है clearcivilstaffhimachal.com, क्लियर, वहां से आप लोग इन स्पेसिफिक मैगजीन्स को डाउनलोड कर सकते हो, तो ये हर बच्चे को मिलेगी। क्लियर, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ कोर्स तक ही सीमित नहीं था, ऐसे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर चुके हैं जिनको जरूरत ही नहीं है वीडियो लेक्चर्स की, टेस्ट सीरीज की, क्लियर, उनको कोई फायदा नहीं है, उनके लिए जो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो दैट इज करंट अफेयर मैगजीन्स, तो ये सब बच्चों के लिए है, हर एक स्टूडेंट को ये मिलेगी। उसके साथ साथ आप लोगों के जो ऑनलाइन क्लासेस का है कि पीयर टू पीयर इंटरेक्शन कैसे करेंगे, टीचर के साथ कैसे बात करेंगे, तो वीकली सेशंस आपके रहेंगे, ये सारे के सारे सेशन जो वो लाइव होंगे, जहां पे टीचर और आपके जो बैच में बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप लोग भी इंटरेक्ट करोगे और आप लोगों को पता चलेगा कि बाकी लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आपके बैच में कौन कौन है, आप लोग पाओगे कि कोई बिलासपुर से है, कोई शिमला से है, कोई मंडी से है, ऑल ओवर द हिमाचल बहुत सारे बैचेज ऐसे हैं जहाँ पे 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक एक्सपोजर भी बेटर रहेगा। और लास्ट है मेंटरशिप, वो तो हमेशा ही रहेगी, मेंटरशिप तो ऐसा नहीं है कोर्स का ही हिस्सा है, वो आप वैसे भी हम लोगों से बात कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का इशू आप लोग फेस कर रहे हो। तो ये बेसिकली जो है वो क्यों सिविल स्टैफ हिमाचल का आपको स्पेसिफिक कोर्स में को देखना चाहिए एटलीस्ट, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेशन दूंगा, ये जो हमारा वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, और स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है बिना डेमो लेक्चर्स के कोई भी किसी भी कोर्स में, हमारे कोर्स में भी नहीं, किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना तरीका है पढ़ाने का, वही हमारा तरीका है। क्लियर, तो आप डेमो लेक्चर्स देखिए जहां पे हमारे सारे के सारे टीचर्स, हर एक सब्जेक्ट के जो अध्यापक हैं उनके डेमो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, हैंडआउट्स आप लोग देखोगे, फिर जाके जो है वो आप सोचिए कि आपने कोर्स लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप कन्विंस्ड नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। हर एक बच्चा भी डिफरेंट है, सेल्फ स्टडी से भी लोग पेपर निकालते हैं अलग अलग तरह से, क्लियर, कोई गाइड कर दे वैसे भी लोगों के द्वारा जो है वो पेपर निकाले जाते हैं, तो आपने बस अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके तरीके और उसी तरीके से जो है वो अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना है। क्लियर, तो डेमो लेक्चर सबसे पहला है, प्री रिक्विजिट है, और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे ऑलमोस्ट हर एक टीचर के वीडियो जो है आप लोगों को रेगुलरली देखने को मिलते हैं। डन, अब अगली बात करते हैं बैच नंबर 7 की, जिसकी शुरुआत हो रही है, मैंने थोड़ी देर पहले भी अनाउंस किया था 20th सितंबर से। क्लियर, तो जो बच्चे डेमो लेक्चर्स देख चुके हैं, इसी स्पेसिफिक कोर्स का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, तो आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है वो देखिए किस तरह से जो है वो बैच 7 में आप एनरोल होंगे, और एनरोल होने के बाद आप बैच 7 को कैसे एक्सेस करोगे। ध्यान रखना आप लोग लेक्चर्स जो है वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर भी देख सकते हो, और उसके साथ साथ हमारी ऐप है दैट इज सिविल स्टैफ हिमाचल, और ये मैं पर्सनली सभी बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि सिविल स्टैफ हिमाचल ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव जो है वो आप लोगों को इस ऐप के ऊपर देखने को मिलते हैं। ऐप जो है वो इजी टू यूज है, क्लियर, थोड़ा आसान रहता है आप लोगों को यूज करने के लिए, लेकिन अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर पर देखना चाहते हो तो वहां भी देख सकते हो, ऐप के थ्रू देखना चाहते हो तो वहां पर भी देख सकते हो। तो अगर हम बात करेंगे बैच 7 की, तो इस कोर्स की जो शुरुआत है वो 20th सितंबर 2021 से हो रही है, 7 के 7 दिन आप लोगों को जो लेक्चर्स हैं वो दिए जाएंगे, और लेक्चर का जो टाइम रहेगा वो आपका 10 बजे रहेगा सुबह। क्लियर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव लेक्चर्स इसलिए नहीं है क्योंकि हिमाचल में बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हम लोगों ने देखा है, तो अनफॉर्चुनेटली अभी लाइव लेक्चर्स जो है वो हिमाचल में देने थोड़े मुश्किल हैं। हम चाहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव जो है वो हम लाइव लेक्चर्स के थ्रू भी कर रहे हैं, तो देखते हैं अगर लाइव लेक्चर्स बहुत अच्छा चलेगा तो हम लोग लाइव पे भी शिफ्ट होंगे, लेकिन अगेन रिकॉर्डेड का फायदा क्या है कि अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है जहां पे लेक्चर जा रहा है, तो आप कभी भी कितनी बार भी इस स्पेसिफिक लेक्चर को देख सकते हो। तो लेक्चर की जो शुरुआत की डेट है वो 30th सितंबर 2021 है, वीडियो कोर्स जो एंड होगा यानी कि आपका जो लेक्चर एंड होंगे वो 30th अप्रैल 2022 को होंगे, तो एस्टिमेशन है अप्रैल मई में अगर आप प्रीलिम्स होगा उससे पहले पहले आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। लेकिन ये कोर्स जो है इसकी वैलिडिटी यानी कि कब तक आप इन वीडियोस को देख सकते हो ये आपकी रहेगी 31st दिसंबर 2022,
तो जब तक आपका मेंस एग्जाम नहीं होगा तब तक आप लोगों के पास इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल के आसपास जो है आप लोग इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। इसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज का फर्स्ट फेज है उसकी शुरुआत 14 दिसंबर को होगी, 9 फरवरी तक चलेगी 2022 तक। उसके बाद आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है वो 16 जनवरी 2022 को शुरू होगी। मेंस की टेस्ट सीरीज का जो सेकंड फेज है जिसमें पूरा पूरा जनरल स्टडी 1, 2, 3 के ऊपर आप लोगों को नॉट टेस्ट और उसके साथ 2 SA के टेस्ट देखने को मिलेंगे, वो आप लोगों का जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए प्रॉपर असेसमेंट जो है वो स्पेसिफिक कोर्स का जो है वो आपका हिस्सा है। और इस टोटल कोर्स की जो फीस है वो अगेन 22,500 है, जीएसटी इंक्लूडेड है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा कोई जीएसटी नहीं देना है। दिस इज द फाइनल फीस फॉर दिस स्पेसिफिक कोर्स। क्लियर। अब देखते हैं इस कोर्स को कैसे एक्सेस किया जाएगा, क्या इसके फायदे हैं, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक इस जो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं बात करूंगा तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड है। टोटल 226 लेक्चर्स हैं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, टोटल 226 लेक्चर्स होंगे। हर एक लेक्चर 1.5 घंटे 2 घंटे मतलब मोर देन 1 आवर का तो रहता ही है। तो आप लोग देख लीजिए कम से कम 400 आवर्स के आसपास जो है वो आप लोगों को लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। और प्रॉपर डिटेल्ड शेड्यूल है, इस शेड्यूल को मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा और उसके साथ साथ जो आपका कोर्स है वहाँ पे भी आप लोग इसको देख सकते हो, जहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे हिमाचल में, चाहे हिमाचल प्रदेश जीके प्रीलिम्स है, गवर्नेंस है, क्लियर, उसके साथ साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, गांधीयन थॉट है, सोसाइटी है, IR है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हिमाचल के लिए इंपॉर्टेंट HPS के लिए उन सबको कवर करवाया जाएगा। टोटल 13 जो है वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स इस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। डन। अब सवाल आएगा कैसे इस स्पेसिफिक कोर्स को आप लोग एक्सेस करोगे। तो हमारा वेबसाइट है civilstaffhimachal.spai.com/s/store पे आप लोग जाओगे और यहाँ पे आप लोग देखिए ये आपको दिख रहा है, दिस इज बैच नंबर 7। क्लियर। तो बैच नंबर 7 आप देखोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे बैच नंबर 7 के ऊपर, जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद जो है वो ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आएगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके आप उसको जो है वो अपने कोर्स में ऐड कर सकते हो। डन। जैसे ही आपने इस कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवा ली उसके बाद आप फिर से इसी civilstaff.himachal.spy.com के ऊपर लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपको माई कोर्सेज देखने को मिल रहा है, माई कोर्सेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका कोर्स ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे। इसको क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने इस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर इकोनॉमिक सेक्शन को देखना शुरू किया तो यहाँ पे देखिए इंडियन इकोनॉमी लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन, यहाँ पे वीडियो लेक्चर होगा जो आप लोगों के यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है और इसके नीचे यही जो वीडियो लेक्चर है इसके लेक्चर हैंडआउट जो है वो आप लोगों को प्रदान किए जाएंगे। क्लियर। ये देखिए ये आपके जैसे लेक्चर हैंडआउट पे आप लोगों ने क्लिक किया तो ये देखिए सारा लेक्चर हैंडआउट है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ताकि बार बार जो है वो आप लोगों को एटलीस्ट रीड करने के लिए इस जो वेबसाइट है उस पर लॉग इन ना करना पड़े। क्लियर। और साथ में इन हैंडआउट्स को आप लोग प्रिंट आउट करवाइए। उसके बाद जो है ये हमारे सारे के सारे फीचर्स हैं जिन फीचर्स के तहत आप लोग इस पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो ये था हमारे बैच नंबर 7 के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्लियर। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की कोई और जानकारी चाहते हो तो आप लोग हमारा जो नंबर है 7814622609 इसके ऊपर कॉल कर सकते हो। अगर कॉल नहीं करनी है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन कोई और क्वेरी अगर आप लोगों की है तो यहाँ पे हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। डन। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है उसको मैं यहीं पे ही कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।